हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव 2023 की तरफ से। फ्रेंड्स, IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। सो बहुत ही डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी वैकेंसीज आई है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या रहने वाली है। हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं कि बैंक में जॉब करना उनके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन बैंक के जॉब की बात ही अलग होती है। ये एक सेटल्ड जॉब मानी जाती है और यहाँ पर तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बैंक आपके लिए निकालते ही रहते हैं टाइम टाइम पे। उनमें से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ चुकी है जो कि 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है उसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाता है। सो ये एग्ज़ाम जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI की ओर से ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर पोस्ट की हम बात करें तो ये जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही ये आपकी जॉब रहने वाली है। सो आगे हम जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स यानी वैकेंसी कितनी है। तो आपकी वैकेंसी जो है वो आपको 1036 यानी कि 1036 पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, जैसे हमारे बाकी सारे बैंक के एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन, ये सेम वैसा ही एग्ज़ाम रहेगा। ये आपका सरकारी नौकरी है बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 24 मई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 7 जून रहने वाला है फॉर्म अप्लाई करने का। सो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी से हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। सो अगर हम एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बस एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है जो कि ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक सिंपल आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन रहने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 जुलाई 2023 को शेड्यूल किया गया है। सो इस डेट को आप अपने माइंड में सेट कर लो एज अ रिमाइंडर, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका 2 जुलाई के परफॉर्मेंस से ही तय होगा। सो उसको आप रिमाइंडर सेट कर लो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल पोस्ट की तो वो आपका 1036 है, लेकिन कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे। सो जनरल वालों के लिए आपका 451 पोस्ट रहेगा, एससी वालों के लिए 160 रहेगा, एसटी वालों के लिए 67 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए आपका 255 सीट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 रहेगा। सो ये ओवरऑल आपकी जो पोस्ट वैकेंसी है वो आपकी 1036 है। और इसके अलावे कैटेगरी वाइज जो मैंने बताया, इसके अलावे कुछ सीट्स जो है वो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए इस पोस्ट को रखा गया है।
और अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए इस जॉब के लिए, तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 55% मार्क्स। और अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हो तो आपको 50% अगर आपके पास मार्क्स है तो आप इलिजिबल हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर एज लिमिट देखी जाए यहाँ पे, तो आपका मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशंस OBC वालों को 3 ईयर्स, SC ST को 5 ईयर्स और एक सर्विस मैन को भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। सिलेक्शन की प्रोसेस तो आपने समझ ली। तो बेसिकली ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो जो लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को IDBI के डिफरेंट ब्रांच में जॉब करने का मौका मिलेगा 3 ईयर्स के लिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली, अभी हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। ये जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, और 4th सेक्शन आपका रहने वाला है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड IT से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 4th सेक्शन में। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स रहेगा, जिसमें आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/4 माइनस होगा, यानी कि 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। और हम लोग अभी सेक्शन वाइज जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस सेक्शन का कितना रहने वाला है इस पे बात कर लेते हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 रहने वाला है, जो कि 60 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड IT के कंबाइंड आपके 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपका 60 मार्क्स का ये होगा। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो आपका 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा और मार्क्स भी आपका 200, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। सो ये सारी प्रोसेस तो आपने समझ ली, एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि लोग सोचते हैं कि इस पे सिलेक्शन होने के बाद मुझे इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाला है। सो ये आपका 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो 3 साल आपको अलग अलग सैलरी मिलेगा। फर्स्ट ईयर आपको 29,000 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर आपका 31,000 पर मंथ मिलेगा और थर्ड ईयर आपको 34,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। और अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए आपकी ये वैकेंसी निकली है। सो जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स थी IDBI एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। सो अगर इसको समझने में आपको कोई दिक्कत आई हो, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहीं पे इसका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इसकी डिटेल्स को और अच्छे से समझ सकते हो। तो IDBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, बाय बाय, टेक केयर।